Hi guys and welcome back to my uncertain life and welcome back to yet another vlog. So आपको देख के difference of location feel हो रहा होगा because I am in my ससुराल right now. I am living here for last few days now. So basically I am back here after a year, like living here after a year. मेरी शादी कुछ February 2020 में हुई थी and after a few months only my health started to deteriorate. So I was staying at my parents' place for a long time, but अभी मैं at least अपने basic काम कर सकती हूँ, अपने day to day basic activities खुद से कर सकती हूँ. So I thought why not, मैं अपने ससुराल आ गई and यहाँ पे आने के बाद I'm feeling really good because एक तो काफ़ी time वहाँ पे रहने के बाद, same environment में रहने के बाद मुझे कुछ change चाहिए था. And this is a good change. So today is 7th of June और आज होती है मेरे mom dad की marriage anniversary. And special इसलिए because this is their 30th marriage anniversary. And हाँ, basically हम फिर से एक दिन enjoy करेंगे अपने life का. आज हम लोग यहाँ पे, मतलब मेरी सासू माँ आई, आज बनाने वाली है मंचूरियन बिकॉज माय मदर लव्स मंचूरियन एंड स्पेशली मम्मी के लिए आई आज मंचूरियन बनाने वाले हैं. एंड हाँ, मम्मी भी शायद घर पे कुछ अच्छा स्पेशल डिश बना रही होगी. सो लेट्स गो इन द किचन, हम लोग देखते हैं आई का रेसिपी मंचूरियन के लिए. मैंने इससे पहले भी आई का मंचूरियन टेस्ट किया है एंड शी इज़ ग्रेट कुक. सो लेट्स सी, लेट्स गो इन द किचन. सो अभी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं फाइनली चॉप्ड हाफ पत्ता गोभी. एक कैरेट और एक मीडियम साइज प्याज. अभी हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक ऐड कर रहे हैं और अदरक को कद्दूकस करके हम लोग इसमें ऐड करेंगे. थोड़ा सा जिंजर, धनिया और हरी मिर्च. अभी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर 5 स्पून और ये है मैदा 5 स्पून. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए. अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला. अगेन अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए. कंसिस्टेंसी आप चेक करते रहिए कि उसके बॉल्स अच्छे से बन जाने चाहिए. अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मैदा बढ़ा भी सकते हो. आप देख सकते हो कि ऐसे छोटे छोटे हमें इसके बॉल्स बनाने हैं. साइज आपके हिसाब से आप बना सकते हो. सो अभी हमारे सारे बॉल्स रेडी है और अब हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे. सो आप मीडियम हॉट ऑयल में ही इन्हें फ्राई करें और फ्लेम भी मीडियम पे रखें. अगर आप इसे हाई फ्लेम पे, हाई बॉइल्ड ऑयल में फ्राई करोगे तो ये बाहर से तो फ्राई हो जाएंगे पर अंदर से ये शायद कच्चे रह सकते हैं. ऐसे थोड़ा गोल्डन कलर आने के बाद आप इन्हें ऑयल से निकाल लीजिए. अब हम लोग ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे. पहले ऑयल ऐड कर लीजिए. ऑयल गरम होने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर रहे हैं, ग्रीन चिली,
थोड़ा कैप्सिकम और प्याज। टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट ऐड कर लीजिए। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। टोमेटो केचप और थोड़ा रेड चिली सॉस। इसे हाई फ्लेम पे ही करना है और चलाते रहना है पूरा टाइम अच्छे से। अभी हम लोग इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हो कलर कितना बढ़िया आया है। अराउंड 3 ग्लास पानी इसमें ऐड करना है। अब हम इसके लिए स्लरी बना रहे हैं, जो है 2 to 3 tablespoon कॉर्नफ्लावर एंड थोड़ा पानी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो हमारी वाटरी कंसिस्टेंसी है ग्रेवी की, वो थिकर और सिल्कियर हो जाएगी। इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना है और चलाते रहना है। आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी कैसी चेंज हो गई है। नाउ द ग्रेवी इज रेडी। अब हम लोग इसमें ये बॉल्स ऐड कर देंगे। सो हो गया है हमारा मंचूरियन रेडी। और बाहर ये वेदर इतना बढ़िया हो गया है। कौन लगा? ये काय बनवलं तू? मी पावभाजी आणि गुलाबजामुन। पावभाजी आणि गुलाबजामुन?
Wow, Pikachu, do you want gulab jamun? You want gulab jamun? बना पहले पेड़ा पेड़ा मॉम मेक्स अमेजिंग पाव भाजी. ये मेरे जले हुए पाव बिकॉज मुझे ऐसे ही पसंद है क्रंची. एंड आई मेक्स अमेजिंग चाइनीज. सो आज हमारा मंचूरियन. उघड तुझा ड्रेस. थँक यू विनबाई. सुंदर रंग. बाय पिकू. चलो आगे लग गई चल ली ना की.